लो एंड डिवाइस में, मतलब कि गाइस मिड रेंज के जो फ़ोन हैं उन पे गाइस डेजर्ट ईगल से कैसे हेडशॉट मारें, मतलब शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज गाइस इजीली अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो हेडशॉट आप मारना सीख जाओगे। तो जिनको गाइस अभी भी ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है या नहीं देखना तो गाइस आप जा सकते हो, और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है जिनको हेडशॉट सीखना है। तो आइए चलते हैं नंबर वन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको जाना है आपके सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सेंसिटिविटी में क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ये जनरल दिख रहा है इसको गाइज 100 रख देना। उसके बाद जो नीचे गाइज रेड डॉट है इसको भी 100 रख देना। गाइज ये होता क्या है, जो आपका लो एंड डिवाइस है उसमें गाइज सबसे मेन जो रोल होता है इन दोनों का ही होता है। उसके बाद गाइज मैं बात करूँ आपके फायर बटन की, तो गाइज इसकी जो साइज़ है वो बहुत लोग बढ़ा देते हैं और जो मैक्सिमम लोग होते हैं इसको गाइज छोटा भी रखते हैं। तो ये दो गलती आप मत करना, इसी कारण गाइज आपका ड्रैक नहीं लग पाता है। तो इसकी जो गाइज साइज़ है वो गाइज 55 या तो 45 के बीच में ही होनी चाहिए। और जो इसके बाद जो गाइज बहुत लोग करते क्या है, इसको गाइज ऊपर रख देते हैं। मैं सलाह दूंगा इसको गाइज नीचे ही रखना, फायर बटन की जो पोजीशन है इसको गाइज थोड़ा नीचे रखना, जिस कारण ईजिली ड्रैक लग जाए। तो फर्स्ट पॉइंट गाइज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नंबर टू की। नंबर सेकेंड गाइज वो है आपका एम, यानी कि गाइज एम आप कैसे बिठा सकते हो शॉर्ट रेंज में। ये गाइज काफ़ी डिफिकल्ट होता है जिसकी लो एंड डिवाइस होती है, यानी कि गाइज सस्ते फ़ोन में काफ़ी डिफिकल्ट होता है शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना। तो उसके लिए भी गाइज मैं एक टिप लेके आ चुका हूँ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो आपका ये सर्कल है गाइज इसको आपको वाइट ही रखना है। गाइज एक और बार स्लो में दिखाऊँ तो गाइज इसको आपको वाइट रखना है और देन आपको ड्रैग करना है। ओके गाइज अगेन देखो गाइज मेरा जो सर्कल है वो गाइज एकदम वाइट है, उसके बाद मैंने ड्रैग किया तो इजीली हैड लग गया। गाइज आपको जो आपका ये सर्कल है उसको गाइज आपको वाइट ही रखना है, वाइट रखने के बाद ड्रैग करोगे तो इजीली हैड लग जाता है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। गाइस लॉन्ग रेंज में शॉर्ट रेंज का अपोजिट होता है, यानी कि गाइस आपको रेड रखना है गाइस जो आपका ये एम है, उसके बाद देन आपको ड्रैग करना रहता है। ओके अगेन गाइस मैं दिखा दूं, गाइस पूरा देखो रेड है, अगेन मैंने ड्रैग किया तो हेड लग गया। देखो गाइस दोबारा मैं वीडियो में दिखाऊँ, गाइस मेरा एकदम रेड था और ड्रैग किया मैंने, हेडशॉट लग गया। तो गाइस शॉर्ट रेंज का बिल्कुल अपोजिट होता है लॉन्ग रेंज गाइस, मतलब देखो अगर आपको शॉर्ट रेंज में वाइट रखना है तो लॉन्ग रेंज में आपको रेड रखना है और देन ड्रैग करना है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस नंबर थ्री की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस वो है ड्रैग, मतलब अगर आप शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने जाओ तो अलग तरीके का ड्रैग लगता है, और आप लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारने जाओ तो अलग तरीके का ड्रैग लगता है। तो आप ये सोचोगे गाइस ये ड्रैग अलग अलग तरीके का कैसे लगता है, तो ड्रैग होते हैं गाइस तीन तरीके के। फर्स्ट होता है गाइस होल ड्रैग, सेकंड होता है गाइस स्ट्रेट ड्रैग, एंड गाइस जो थर्ड होता है वो गाइस सबसे टफ होता है, वो होता है रोटेशन ड्रैग। तो आइए गाइस बात करते हैं शॉर्ट रेंज की। सबसे पहले गाइस आप हेडशॉट कैसे मार सकते हो, तो गाइस मैंने तो आपको बता दिया जो आपका क्रॉस एयर है यानी कि गाइस जो एम है इसको गाइस आपको वाइट ही रखना है शॉर्ट रेंज में, और देन आपको ड्रैग करना है। एंड गाइस वो ड्रैग आपको कैसे करना है वीडियो के थ्रू आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस पीछे आप वीडियो देख रहे होंगे गाइस, इसको मैंने हेडशॉट मारा एंड जो गाइस मेरा एम है वो हल्का सा एंड में ट्विस्ट हो गया, मतलब मुड़ गया, इसी को रोटेशन ड्रैग कहते हैं। अगर गाइस आपको समझ नहीं आया तो गाइस मैं फायर बटन पे जूम कर देता हूँ। गाइस देखो गाइस एंड में ये हल्का सा ट्विस्ट होगा, देखो गाइस ट्विस्ट हो गया, गाइस इसी को ही रोटेशन ड्रैग कहते हैं। गाइस आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक और बार गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे हेडशॉट मार दिया है। एंड गाइस अगर मैं फायर बटन पे इसका फोकस करूँ तो गाइस देखो एंड में हल्का सा ट्विस्ट होगा जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, देखो गाइस हुआ ना, गाइस इसी को ही रोटेशन ड्रैग कहते हैं। एंड गाइस जब आप शॉर्ट रेंज में एनिमी को मारने जाओगे तो आपको इसी का इस्तेमाल करना रहेगा, तभी गाइस उसको हेडशॉट ईजिली लग जाएगा। एंड गाइस अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज के बारे में। गाइस लॉन्ग रेंज में ड्रैग मारना काफ़ी इजी है, उसमें गाइस आपको कुछ नहीं करना रहेगा। गाइस आपको नॉर्मल ड्रैग मारना है, बस आपको थोड़ा सा एम को ऊपर खींचना रहता है, उसको गाइस स्ट्रेट ड्रैग कहते हैं। गाइस स्ट्रेट ड्रैग क्या होता है गाइस मैंने आपको अभी बताया, एंड गाइस आपको एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा भी देता हूँ जिससे गाइस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गाइस देखो पीछे एक मैंने वीडियो लगा दिया आपको समझाने के लिए, एंड जो मेरा फायर बटन है उसको गाइस मैंने एकदम स्ट्रेट खींचा, इसी को ही गाइस स्ट्रेट ड्रैग कहते हैं। तो एक और बात गाइस मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दिखाता हूँ, एम को एकदम सीधा खींचना ही स्ट्रेट ड्रैग हो जाता है। एंड गाइस ये मैक्सिमम टाइम जो गाइस लॉन्ग रेंज होता है उसी में हेल्प करता है। आई होप गाइस आपको ड्रैग भी गाइस समझ में आ चुका होगा, शॉर्ट रेंज में आपको रोटेशन मारना है एंड जो लॉन्ग रेंज है उसमें गाइस आपको स्ट्रेट ड्रैग मारना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा।
फर्स्ट पे गाइज मैंने बात करी थी आपकी सेंसिटिविटी के बारे में एंड फायर बटन के बारे में। सेकंड पे गाइज मैंने आपको बताया आपके एम के बारे में। और थर्ड पे गाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो गाइज ड्रैग, वो भी गाइज मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इन सब की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी रहेगी, तभी गाइज आप परफेक्ट गाइज जो डेजर्ट ईगल प्लेयर बन पाओगे। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना सही। गाइज अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।